Hello friends welcome to Law NGK. so friends on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams so friends in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of udisha judicial services 2014 so friends if you are new on this channel i would like to recommend that you subscribe to this because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos

Need to write roll number here, blue black ball point pen and negative marking of 25% admission certificate admit card. So first question is Indian constitution was enacted and adopted on 26th November 1949. B is the answer. And this day is also celebrated as Law Day. और कॉन्स्टिट्यूशन डे बी इज द आंसर नेक्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन नाइंटी सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी इलेवन इंसर्टेड अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन सी रिगार्डिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज डी इज द आंसर नेक्स्ट इज थ्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परमिटेड पैसिव इथोनेशिया सब्जेक्ट टू सर्टेन गाइडलाइंस इन द केस ऑफ अरुणा रामचंद्र शाहबॉग वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया ए इज़ द आंसर नेक्स्ट है फोर द केस ऑफ जय बच यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू तो ये ऑफिस से सी इसका आंसर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ ऑफ दार्लियामेंट आंसर जब वो लॉ बन जाता है उसके बाद फिर अमेंडमेंट से उसको एड भी किया जाता है उस टाइटरी को नेक्स्ट आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री डील्स विद प्रेजिडेंट पावर टू प्रमोगेट ऑर्डिनेंस सी इज द आंसर नेक्स्ट सेवन डॉक्टर एन ऑफ पिथन रिलेट्स टू इंटरप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यंगजिस्लेचर इन द सेम फील्ड या फिर सर ऑब्जेक्शनेबल पोर्शन ऑफ स्टैचू टूल फंडामेंटल राइट या फिर इंटरप्रटेशन ऑफ स्टैचू टू सोल्व प्रॉब्लम नेक्सस फिर वो तो डॉक्टराइन ऑफ टेटोरियल नेक्सस है फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू टू सोल्व प्रॉब्लम वेवर फिर डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है तो इसमें आंसर क्या रहेगा ए ए इज दी आंसर अगर ऑब्जेक्शन परपज है तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेबलिटी लग जाएगा इसमें तो बच गया क्या ए नेक्स्ट इज एट प्रोविजन फॉर इम्पोजिंग द प्रेजिडेंट्स रूल इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स डी इज द आंसर थ्री फिफ्टी टू में क्या है नेशनल एमरजेंसी थ्री सिक्सटी में फाइनेंशियल एमरजेंसी नेक्स्ट इज नाइन रिमूल और सर्विस कमीशन शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विदिकल थ्री हंड्रेड सेवनटीन बी इज द आंसर नेक्स्ट इज टेन अकोर्डिंग टू आर्टिकल टू थर्टी थ्री द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज शेल बी डन बाई गवर्नर ऑफ द स्टेटेशन विदर्ट सो बी इज द आंसर और कौन से आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है ये आर्टिकल टू थर्टी थ्री एस इज अलेवन एग्जिस्टेंस ऑफ टू सूट्स बाय सूट लिटिगेटिंग पार्टीजेटिंग सेम टाइटल वन प्रीवियसली विच इज पेंडिंग एट प्रेजेंट एंड द अदर फाइल लेटर तो क्या होता है वो होता है रेस सबजुडाइस सेक्शन कौन सा है वो टेन सी इज द आंसर इलेवन में क्या रेस जुडी काटा गया लिखा होता है कि ऑलरेडी डिसाइडेड पेंडिंग की जगह लिखा होता है ऑलरेडी डिसाइडेड तो हो जाता है रेस जुडी काटा Next is 12 where there are mutual debts between the plaintiff and the defendant one debt may be settled against another this can be statutory defense to a plaintiff's action it is called as set off b is the answer order 8 rule 6 provides the provision next is 13 an attachment before judgment order takes away right of ownership you have a right to have power to alienate the property पावर टू एलिनेट दी प्रॉपर्टी सी इज द आंसर ऑर्डर कौन सा है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट का दट इज थर्टी एट इज फोर्टीन थ्री पिलर ऑन विद फाउंडेशन ऑफ एवरी ऑर्डर इन जंक्शन रेस्ट वो क्या है प्राइमाफे केस इंजरी विद डैमेज एंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस या फिर प्राइमाफेसिक प्राइमाफेसिकस तो रहता ही रहता है फिर होता है इ रिपेयरेबल इंजरी है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है तो सी इज द आंसर रहेगा इंजंक्शन के केस में टेम्पर इंजंक्शन की प्रोविजन कहां पर है ऑर्डर थर्टी नाइन में नेक्स्ट इज फिफ्टीन डैश इज टू अनेबल सुबॉर्डिनेट को टू इन नॉन अपीलेबल केस ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट इन एबसेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ देर बाई अवॉइड कमीशन ऑफ एन एरर विच कुड नॉट बी रेमडी लेटर ऑन दैट इज रेफरेंस बी इज द आंसर सेक्शन हंड्रेड एंड थर्टीन प्रोवाइड द सेम रिव्यू कितने में वन वन फोर में और रिवीजन कितने में वन वन फाइव में रिवीजन कहाँ होता है जब जुडिशनल एरर हो जो कि लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था रिवीजन पे नेक्स्ट इज सिक्सटीन अब बताना है इसमें कौन सा ठीक है तो देखिए लीगल सेट ऑफ़ की कौन सी प्रपोजिशन ठीक हैं इसमें तो फर्स्ट लीगल सेट ऑफ रिक्वायर्स अ कोर्ट फी बट नो कोर्ट फी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ ये बिल्कुल ठीक है फिर इन लीगल सेट ऑफ अमाउंट क्लेम कैन बी टाइम बार्ड नो ये तो गलत हो गया टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए उल्टा फिर थ्री इनलीगल सेट ऑफ इट इज क्रॉस इस्स अराइज ऑफ सेम ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन को रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है फिर इक्विटेबल सेट ऑफ क्रॉ डिमस अराइज ऑफ सेम ट्रांजन बिल्कुल ठीक है तो इसमें ये ठीक हो गया ये भी ठीक हो गया फिर हैज फोर लीगल सेट ऑफ कैन बी फॉर एनी अमाउंट नॉट एसर्टेन नो उसमें असर्टेन होना चाहिए तो ये भी हो गया गलत तो फिर वन एन थ्री इसमें करेक्ट हो गए बी इसका आंसर हो गया इन्फॉर्मेशन एज टू फैक्ट्स फ्रॉम द अपोजिट पार्टी ही मेंज एडवर्सरी ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन इट इज कॉल्ड एज इंटेरोगेटरीज सी इज द आंसर ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है इलेवन नेक्स्ट एटीन डैश फाइल्ड बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्फ और अदर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट वट इज कॉल्ड रेप्रेजेंटेटिव सूट बी इज द आंसर कहाँ प्रोविजन है ऑर्डर रूल एट पर्सन अपॉइंटेड बाई द कोर्ट टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड मैनेज द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन दैट इज रिसीवर रिसीवर का प्रोविजन कहाँ पर है ऑर्डर फोर्टी सी पी सी नेक्स्ट ट्वेंटी

उट द करेक्ट रिमाइंडर ऑफ द स्टेटमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज देखिए आ गया सीआरपीसी पूछ रहे हैं टू कलेक्ट दस दैट एट इनिंग आउट द्रूथिंग दर्सन नो ट्रूथ फाइंड आउट करना है मान लो इफ इज इनोसेंट दे आंसर नेक्स्टी टू एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वॉर एनी परसन हू हैज कंसर्न इन कॉगनी आंसर कहां प्रोवाइड किए गए मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इन टेकिंग और प्रिवेंटिंग दस्केप ऑफ एनी परसन होम सस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज थ्राइज टू अरेस्ट किसके लिए इन द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस या इन प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी टू कमिटेड रेलवे ये सब इन ऑल ऑफ़ केसेस सी इज़ आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी फोर डैश स्टेबलिश कोड ऑफ सेशन इन एवरी सेशन डिवीज़न स्टेट गवर्नमेंट ए इज द आंसर कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये सेक्शन नाइन ऑफ सी आर पी सी Next 25, FIR under section CRPC is not a substantive piece of evidence. It can only be used to contradict or corroborate the matter thereof. Held in कौन सा केस था वो ये बहुत सारे केसेस में किया गया है यह पर्टिकुलर केसेस क्यों पूछे गए हैं यहाँ पर तो वो केस है ये केस था शंबुदारसी स्टेट ऑफ आसाम ए इसका आंसर रहेगा सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद मेडिकल एग्जामिनेशन 164 ए बी इज आंसर और कौन सी अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ वो सेक्शन कौन सा ना सेक्शन 17 ऑफ दैट अमेंडमेंट कई बार जो सेक्शन भी पूछे गए हैं अमेंडमेंट के नेक्स्ट 27 व्हेनेवर अ चार्ज इज ऑल्टर्ड और विद्रेंस टू सच ऑल्टरनेशन एडिशन एनी विटनेस ही मे बी एग्जाम इन येस फिर लिखा हुआ शेल्टर कोर्ट फॉर रीजन टून प्रोसिक्यूटर टू विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ वैक्सीश और डिलेवर डिफीट द जस्टिस नो कम्पलसरी होता है इसमें तो फिर इस अलाउड होता है नेक्स्ट ट्वेंटी एट वट पसन में बी चार्ज ज्वाइंटली पसन सेम ऑफेंस कमिटेड इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन ये बिल्कुल ठीक है ये पसंद सेम ऑफेंसन अकूज ऑफ अबेटमेंट और अटैम्प्टेस ये भी ठीक है फिर अ पर्सन अक्यूज ऑफ डिफरेंट ऑफेंस इन दर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन ये भी ठीक है फिर पसंद अक्यूज मोर देन वन ऑफेंस सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ ये भी ठीक है तो इसमें ठीक क्या हो गया ऑल ऑफ दी इज द आंसर सेक्शन कौन सा है टू ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंस इज पेंडिंग बी बाय द वुमन टू होम मिस कैरेज इज कॉज सी इज द आंसर कहाँ लिखा हुआ है ये सेक्शन थ्री ट्वेंटी सेक्शन टू एंट्री वन है ये पॉवर अपन जीरो रिगार्डिंग कन्फेस्ट ऑफ को एक्यूज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑन ओथ एंड कैन बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन तो क्या करेक्ट देखिए इसमें इज नो एविडेंस इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन ट्वेंटी थ्री क्या कहता है एडमिशन इन सिविल केसेस तो कन्फेशन को के का इसे कोई कोई रेलिवेंसी नहीं है ये हो गया गलत द ओनली लिमिटेड यूज विच कैन बी मेड ऑफ अ कन्फेशन इज ऑफ अ को एक्ूज इज बाय वे ऑफ फर्निशिंग एन एडिशनल रीजन फॉर बिलीविंग सच अदर एविडेंसिज एज एग्जिस्ट ये ठीक है फिर है इज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस एंड इज मच वीकर देन दी एविडेंस ऑफ अप्रूवल ये भी ठीक है तो टू एंड थ्री इसमें करेक्ट है वन इन करेक्ट है तो ए इज़ द आंसर नेक्स्ट थर्टी टू द ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट इज द बेस्ट एविडेंस एक्सेप्शन टू दिस रूल इज कंटेंड इन ये दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट में ही और कहाँ पर सेक्शन नाइन्टी वन नाइनटी टू रो एक्सेप्शन है बेस्ट एविडेंस रूल के तो ये इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट थर्टी थ्री लाइब्रिटी ऑफ मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन केम फॉर डिस्कशन अंडर विच केस तो वो था विमल वर्सिज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए इज द आंसर नेक्स्ट थर्टी फोर डाउट द बेनिफिट ऑफ विच मस्ट बी सच एज रिजनेबल थिंकिंग एंड रिजनेबली एंटरटेन नॉट द डाउट ऑफिलेटिंग माइंड दैट हैज नॉट द मॉरल करेस्ट डिसाइड बट शेल्टर इट सेल्फ इन अ वेन एंड आइडल्स एक्टिजम देयर मस्ट बी अ डाउट विच अ मैन मेंनेस्टली एंड कॉन्शियसली एंटरटेन ये किसने कहा था तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी ये दी थी जस्टिस कोकबर ने ए इज दंसर नेक्स्टी फाइव डी एन ए टेस्ट कैन नॉट रिबर्ट दी कंक्लुसिव प्रशन अंडर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पार्टीज़ कैन अवॉइड द रिगर ऑफ सच कंक्लुसिव प्रम्पन ओनली बाई प्रूविंग नॉन एक्सेस विच इज ए नेगेटिव प्रूफ तो कौन सा केस था ये यह केस शेख फख्रुद्दीन वर्सेज शेख मोहम्मद हसन ए इज द आंसर नेक्स्ट थर्टी सिक्स एन कम्प्लिस इन द मटीरियल पर्टिकुलज अ प्रशन ऑफ फैक्ट ए इज द आंसर प्रिजम्शन ऑफ फैक्ट्स के बारे में कहाँ लिखा गया 114 में वहाँ लिखा गया सर्टेन फैक्ट्स हैं जिनकी प्रिजम्पन ली जा सकती है और वहीं पर ही इसके बारे में भी लिखा गया है इलास्ट्रेशन बी में Next 37. A dispute regarding handwriting can be proved by calling an expert, if examining person acquainted with the handwriting. Both. sees is the answer. Next 38. The time tested rule is that acquittal of a guilty person should prefer to conviction of an innocent person. Unless the prosecution establishes the guilt beyond reasonable doubt, a conviction cannot be passed on the accused. A criminal cannot afford to deprive liberty of the appellant's lifelong liberty.

Yes, section 85b. B is the answer. Next 40. A subsequent case which referred to principle of perful decide judgment was Next 41. A being a public servant directly by law to take property in execution in order to satisfy decree pronounced in B's favour by a court of law. Knowingly disobeys the direction of law within knowledge that he is likely thereby to cause injury to B. A has committed the offence of. सेक्शन 166 ए इज़ द आंसर और ये उसमें इलस्ट्रेशन है नेक्स्ट है फोर्टी टू विच इज अ फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्टेस रियस थॉट ऑफ कंडक्ट रिजल्ट ऑफ कंडक्ट सरकोम स्टांस एज आर स्पेसिफाइड बाई लॉ या फिर कंडक्ट थाट ऑफ कंडक्ट नहीं रहेगा ए इज द आंसर रिजल्ट कंडक्ट या फिर जो सरकोम स्टांस हुए हैं वो सब रिलेवेंट रहेंगे पार्ट होंगे एक्टेस रियस के थॉट तो किस में आ जाएगा फिर इंटेंशन में आ जाएगा फोर्टी थ्री अंडर विच ऑफ द केसेज कैन अ स्टैचूट एक्सक्लूड मैन सिया पब्लिक न्यू सेंस पब्लिक इंटरेस्ट यस बोथ सी इज द आंसर नेक्स्ट फोर्टी फोर ए व्यू टू मर्डरिंग डी एंटर्स डी इज बेडरूम इन नाइट वेन डी इज आउट ऑफ स्टेशन ए इज गिल्टी ऑफ हाउस ट्रेस पास ए इज द आंसर क्या है इसकी पनिशमेंट नेक्स्ट एक्स मीट जेड ऑन नेशनल हाईवे मनी ये क्या हो गया एंड गोल्ड ऑर्नामेंट फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ जेड दिस इज रॉबरी डी इज द आंसर सेक्शन थ्री नाइनटी है ये एक्स क्वेश्चन कितने थ्री में डकैती थ्री नाइनटी वन थे एस सी फोर्टी सेवन डकैथी कैन कवर रॉबरी बेस्ड ऑन थेफ्ट बोथ सी इज द आंसर फोर्टी एट यूज ऑफ वायलेंस मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन अ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट रॉयटिंग ए इज द आंसर सेक्शन कौन सा है कितना है थ्री फिफ्टी वन एफरे कितने में है डिफेंस ऑफ कंसेंट हैज नो एप्लीकेशन इन केस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कोजिंग डेथ कॉजिंग डेथ बी इज द आंसर अगर मान लो कंसेंट से भी डेथ की है तो वो सेक्शन थ्री हंड्रेड में फॉलो करेगा बट एक्सेप्शन फाइव में आ जाएगा तो क्या होगा फिर वो कल्पेबल होमोसाइड कहलाएगा नेक्स्ट फिफ्टी द एसेंस ऑफ एडिशन अंडर इंडियन पिनल कोड इज आर रिजल्ट या फिर इंटेंशन बहुत इंटेंशन एंड रिजल्ट ओनली इंटेंशन बी इज द आंसर ये भी देखो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या जो रिजल्ट है में वो मटेरियल है नो इट इज इमीरियल रिजल्ट क्या रहा वो मटेरियल है आपके इंटेंशन को जो है वो पनिश किया जा रहा है नेक्स्ट फिफ्टी वन ऑल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन शेल बी डीम्ड टू बी मेड विद रेफरेंस टू ग्योर्गिन कैलेंडर ए इज द आंसर कहा मैंशन किया गया है ये एक्ट में नेक्स्ट फिफ्टी टू सेक्शन थ्री ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई टू वो एग्जीक्यूशन पर अप्लाई नहीं होता सी इज दी आंसर वहाँ लिखा हुआ है सी इसका आंसर हो गया नेक्स्ट फिफ्टी थ्री बीच ऑफ क्लेम्स अंडर सेक्शन थ्री ऑफ दिटेशन एक्ट इज ट्रीडेड एज एपरेट सूट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम बोथ सी इज द आंसर कहाँ लिखा हुआ है सेक्शन थ्री के सब सेक्शन टू के क्लॉज बी में नेक्स्ट फिफ्टी फोर सेक्शन थ्री ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज अपलीकेबल टू दीरियड प्रस्क्राइब्ड बाई स्पेल बोथ सी इज द आंसर नेक्स्ट फिफ्टी फाइव टाइम बार डेट कैन बी क्लेम्ड एज काउंटर क्लेम बी इज द आंसर तो देखिए जो सेट ऑफ जो है वो तो जो उसमें लिखा हुआ है लीगली रिकवरेबल होना चाहिए तो लीगली रिकवरेबल नहीं है टाइम बार हो गया काउंटर क्लेम में भी लिखा हुआ है कि वो भी एक प्लेट ही माना जाएगा प्लेट में, में क्या होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेट भी हो सकता है टाइम बार है तो अगर बार बाय पीरियड ऑफ लिमिटेशन है फ्रेश so, शूट तो ला ही नहीं सकते तो इसमें क्या हो गया आंसर नान ओकली अबाउ नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन फोर ऑफ द लिमिटेशन एक्ट द कोर्ट शुड बी क्लोज फॉर द होल डे या फिर फॉर अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द डे या फिर ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स बी इज द आंसर यही लिखा हुआ है सेक्शन फोर की एक्सप्लनेशन में नेक्स्ट फिफ्टी सेवन अंडर लिमिटेशन एक्ट लीगल डिसेबिलिटीज़ आर माइनॉरिटी इनसेनेटी ईडीओसी ऑल ऑफ दउड इज द आंसर नेक्स्ट फिफ्टी एट एक्नोलॉजमेंट मेड बाई पर्सन अदर देन अंडर लाइबिलिटी इज गुड इफ़ द पर्सन मेकिंग इट इज रिलेटिव ऑफ द या फिर एजेंट या फिर सर्वेंट या फिर मास्टर ऑफ द पर्सन एजेंट है अगर तो एजेंट ने किए तब भी मान ली जाएगी तो भी इसका आंसर रहेगा कहाँ मैंशन किया गया सेक्शन ट्वेंटी में नैक्ट फिफ्टी नाइन अंडर सेक्शन नाइनटीन फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन द पार्ट पेमेंट मस्ट बी इन दी हैंड राइटिंग या फिर अब देखिए यह है ट्रिक क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं सेक्शन नाइनटीन एक्सटेंडेड पीरियड कर रहे हैं उन पार्ट पेमेंट पर तो पार्ट पेमेंट हैंड राइटिंग और राइटिंग साइन की के जरूरत क्या है उसमें पेमेंट दे दी आपने मुझसे रिसीप्ट ले ली तो नीदर ए नोर बी डी इज द आंसर ये दोनों कहाँ जरूरत पड़ती है इनकी सेक्शन एटीन में नेक्स्ट सिक्सटी एंड एक्सपायर डिग्री कैन भीड विद इन थर्टी डेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायर डिग्री या फिर नॉलेज ऑफ द एक्सपायर डिग्री वेयर ड्यूली सर्व्ड दोनों बोथ सी इज द आंसर का मैंशन किया हुआ ये मैंशन किया गया आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री ऑफ स्केड ऑफ लिमिटेशन एक्ट में नेक्स्ट सिक्सटी वन अंडर टी पी ए इंस्ट्रूमेंट मीन्स अन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट

अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ये तो अगर एक्सटर्नल देखे तो देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन डेट डेट सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी मतलब नहीं होना चाहिए वो अनसिक्योर्ड होना चाहिए पहली बात फिर अगर देखें तो क्लेम जो है रिकग्नाइज बाई सिर्ट्स हो जाना चाहिए तो टू तो ग्रांट रिलीफ ये भी ठीक है फिर दोनों अगर ठीक होंगे ये तो फिर एनी डेट ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर तो मैं कहूँ कि ए एंड सी भी ठीक हो गए एनी डेट नहीं हुआ एनी डेट अदर देन दी सिक्योर्ड लिखा हुआ है सेक्शन में तो हो सकता है कि इसका आंसर बबी हो एज पर दिल्को दो ठीक हो गए हो सकता है कि ऑप्शन ही रॉन्ग है इसमें क्वेश्चन ही गलत हो गया हो नेक्स्ट सिक्सटी फाइव टू क्रिएट एन इंटरेस्ट फॉर दिट अनबोर्न पर्सन विच ऑफ द फॉलोविंग रिक्वायरमेंट शुड बी देयर नो डायरेक्ट इंटरेस्ट ये आप किसी पहले ट्रस्टी को दीजिए फिर वो बेनिफिशरी को देगा दे शुड बी नो डायरेक्ट इंटरेस्ट ए इज द आंसर सेक्शन कौन सा है थर्टीन Next 66, which conditions apply to create a vested interest? It is not defeated by death of transferee before he obtains possession. It is transferable and heritable. It occurs in the present and immediately, even though the enjoyment is postponed. Yes, all of the above is the answer. Rule of perpetuity section 14, TPA. Next 67, the act of transferring property during pendency of a proceeding makes the transfer void. A is the answer. फॉलोविंग इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल है मोडगेज है लीज भी है पार्टीशन नहीं है डी इज द आंसर पार्टी टीपी में प्रोवाइड नहीं किया गया है सेल कितने में, 54 में कितने है फिफ्टी फोर में मोड़ के कितने फिफ्टी एट में लीज कितने में है हंड्रेड एंड फाइव में नेक्स्ट सेवेंटी हाउ कैन ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी बी मेड देखिए वो ओरली भी हो सकती है कोई प्रॉपर्टीज कुछ कुछ जो है वो रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट से होने चाहिए तो सौ रुपए से कम वाली अगर है तो ओरली कर सकते हैं ट्रांसफर बाकी जो है रजिस्टर होना चाहिए तो दोनों हो सकते हैं यहाँ स्पेसिफिकली मैंशन नहीं किया गया है किसके लिए पूछ रहे हैं तो बोथ इज दी आंसर नेक्स्ट सेवेंटी वन वेयर प्रपोजल कैन बी मेड

टेलीग्राम इज डिस्पैच ए इज दी आंसर जैसे ही उसने टेलीग्राम भेज दिया उसके लिए तो वो उसी टाइम पर ही रिवोक हो गया बी के लिए कब रिवोक हो गया तो बी को मिल जाएगा एक्सेप्टेंस से पहले रिवोकेशन कहाँ पर है वो भी सेक्शन फोर और फाइव लगेगा सेवेंटी थ्री इन एन अनकॉन्शियसनेबल कॉन्ट्रैक्ट द बटन ऑफ प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इन्फ्लुएंस बाईं लाइज ऑन दी पर्सन इज इन पोजिशन अर ए इज द आंसर कहाँ लिखा हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नेक्स्ट सेवेंटी फोरबल इफ कंसेंट ऑफ एन अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन मिस्टेक एज टू लॉ नहीं इस पर नहीं होगा वन ऑफ द पार्टीज अंडर मिस्टेक तब भी नहीं होगा बोथ पार्टीज अंडर मिस्टेक तब हो जाएगा सी इज द आंसर सेक्शन कौन सा लगेगा यहां पर सेक्शन लगेगा ट्वेंटी नेक्स्ट सेवेंटी फाइव ए बिजनेस मैन एंटर इन टू कॉन्ट्रेक्ट विद चार्टाउंटेंट टू पे हिम अ फी एंड कमीशन फॉर टैक्स बाय सो अरेंजिंग द अकाउंट्स एज टू कंसील द ट्रू इनकम ऑफ द बिजनेस एनी डिस्प्यूट बिटवीन द बिजनेस मैन चार्टर अकाउंट एंड कमीशन इज टू सेटल बाई आर्बिट्रेशन द एग्रमेंट इज वॉयन जो है उसमें वो क्या है वो अवयड इज द आंसर कैसे बिकॉज दे आर एगरिंग टू डिफीट दर्पज ऑफ लॉ किसी सब्सटेंटिव लॉ को आप जो डिफीट करना चाह रहे हो दिस दैट इज अनलॉफुल तो इसलिए ये वॉइड है किया गया है सेक्शन ट्वेंटी थ्री कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और सिमिलर इलेन देख सकते हैं आप गुड विल ऑफ द बिजनेस कंडीशन दैट ए विल नॉट कैरी सच बिजनेस थ्रू आउट इंडिया सो लॉन्ग एज बी ऑन इट नीर इंडिया कैसे देख सेक्शन ट्वेंटी है तो वहां पर जो है टू दैट एक्सटेंट वो वैलिड रहता है और उसके बाहर अगर है कोई अनिजनेबल तो वोड होगा अदरवाइज नॉट अब यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है कि कंडीशन रीजनेबल हो और नो no आउटिक्शन तो ये लॉ तो ये पार्ट जो हो गया ये है void. तो इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट सेवनटी सेन लैक इफ एक्स इज नॉट मेड प्राइम मिनिस्टर इवन आफ्टर ही विंस इन जनरल इलेक्शन चूजिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द कॉन्ट्रैक्ट दिस इज कॉन्टीजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट कहाँ पर है सेक्शन थर्टी टू में सो डी इज दी आंसर अगर यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई किया होता तो फिर थर्टी फाइव होता टाइम स्पेसिफाइड नहीं है इसमें नेक्स्ट सेवेंटी एट वेयर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिस आर टू बी परफॉर्म्ड इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्मड इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स ए इज द आंसर कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन फिफ्टी टू में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट next 79 a bailer is liable for damages arising to Bailey from the faults in the goods if he did not disclose the Bailey his awareness of all kya the fault the faults which interfere with the use of the goods fault which materially interfere, fault which makes them valuable faults which materially interfere with the use of the goods c is the answer Session 150 mention kiya gaya ki, faults in the goods bailed and which materially interfere with, with the use of them c is the answer हैज टू पे कॉम्पनसेशन टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज मिसकंडक्ट विच रिजल्ट इन लॉसिज दैट आर एन इन डायरेक्ट रिजल्टलीज्डीडक्ट विच आर डायरेक्टली मिसकंडक्ट डीज दंसर कहा गया सेक्शन टू हंड्रेड ट्वेल्व कॉन्ट्रेक्ट एक्ट मेंसन इज डी टू बी एग्रेड ऑफ अनदर इफ देर रिलेटेड टू इच अदर बायशन हॉली थ्रू मेल

19 को तो देखिए ऊपर बता ही दिया है वो है सेशन 20 बी इज दी आंसर 21 क्या है प्रिज़ंपशन एज टू साइमल्टेनियस डेथ्स 22 प्रीएम्पशन का राइट नेक्स्ट 86 एंड इंडियन क्रिश्चियन अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट मींस अ नेटिव ऑफ इंडिया अ नेटिव ऑफ इंडिया हु इज और इन गुड फेथ ऑफ अनमिक्स एशियाटिक डिसेंट अ नेटिव ऑफ इंडिया हु इज इन गुड फेथ प्रोफेशनली कैथोलिक रिलीजन फिर क्लेम्स टू बी एशियाटिक डिसेंट एंड ऑफ़ क्रिश्चियन रिलीजन तो इसका आंसर रहेगा डी कहा वाइफ अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट इज प्लेस ऑफ बर्थ एजुकेशन या फिर वेयर फैमिली लास्ट डिजाइडेड या फिर डेट हजबेंड तो सेक्शन सिक्सटीन में प्रोवाइड किया गया इसके बारे में इंडियन सक्सेशन एक्ट में ही

क्योंकि तो हिंदू में क्या है हिंदू में तो हिंदू एक्ट अप्लाई हो जाता है और वहां लिखा हुआ है एनी पार्टी वन और बोथ पार्टीज तो उन पर अप्लाई नहीं होता नेक्स्ट एटी नाइन द प्रॉपर्टीस्टेट वेर ही नो डिसेंडेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अंडर सक्सेशन एक्ट आफ्टर द शेयर ऑफ ऑप्शन लिखा हुआ है और जो सेक्शन अगर फोर्टी वन देखे हम

तो इसमें से कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और प्रॉपर्टी अंडर अलॉटमेंट ये नहीं हो पाएगा बिकॉज अंडर अलॉटमेंट है ये मेरे मेर अग्रीमेंट टूटी इंट कॉन्ट्रैक्ट ये भी नहीं हो पाएगा कॉन्ट्रैक्ट टू मेरी ये भी नहीं हो पाएगा तो इसका आंसर क्या रहेगा डी नन ऑफ दी अबव डिफेंडेंट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग डिफेंसिस इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मनी इज एडोकेटेशन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मेड एक्सेस ऑफ पवर ये अब डीज देंटी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड विल मेक will prevent a plaintiff from seeking specific enforcement which plaintiff has violated essential terms? yes Fret act fraudulently? yes variance all of the above D is the answer where is in section 16 of SRA next 96 D for specific performance can be granted for enforcing civil rights only not penal rights A is the answer next 97 a suit for possession under section 5 can be filed within

नेक्स्ट नाइंटी नाइन लीव ऑफ रिसेशन इज ग्रेयर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉयल बी इज रिसेशन कराने की जरूरत ही क्या है फिर का किया गया सेक्शन ट्वेंटी सेवन में नेक्स्ट हंड्रेडन सेक्शन थर्टी फोर कैन बी सोड बाईन है आंसर सो फ्रेंड्स हियर वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज 2014। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो कुछ सजेशन कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेशन में जाकर भी लिख सकते हैं वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक एंड फ्रेंड्स इफ यू लाइक दी एफ्स काइंडली गिवि सुपर थैंक्स सुपर थैंक्स इज अ वे टू हेल्प द कंटेंट क्रिएटर मीन इफ यू लाइक द वीडियोज यू कैन जस्ट डोनेट सम मनी टू डेम इन फॉर्म ऑफ टिप्स मिनिमम स्टार्ट विथ ट्वेंटी मिनिमम इज ट्वेंटी रुपीज एंड अगर आपका वीडियो अच्छी लगी इसको तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोट फॉर गेट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोट फॉर टू प्रेस दी बेल आइकन सो दट यू कैन गट द नोटिशन ऑफ आवर अपमिंग विडियोज सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक्स वरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू